हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आप सारे भाइयों ने प्रे की कि भाई हमारी जो फ्लोरन है ये ठीक हो जाए। तो यार बिल्कुल हमारी फ्लोरन है भाई पहले जैसे एक्टिव हो गई है। इसने क्या किया था आपको पता ही होगा यार, इसने सीधा यहाँ से जंप कर दिया था नीचे। और भाई ये कितनी देर से नीचे गिरी थी ये मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो यार फाइनली हमारी फ्लोरन तो अभी भाई जिंदा तो बच गई यार, क्योंकि मैं ऊपर आया ना कल, तो यार भाई मैंने देखा था कि हमारी फ्लोरन भाई नीचे गिरी, तो मैंने तुरंत पानी में डाला। और भाई आपको पता ही था यार, हम भाई ये बचने के बहुत कम चांसेस थे, क्योंकि भाई ये पूरी पूरी मर गई थी यार, पूरी 90% मतलब पूरी ऐसी, मतलब सिर्फ गिल छिला रही थी उसके बच। तो भाई मैंने भी पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, बट आप सारे भाइयों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है यार, थैंक यू सो मच यार आपके लिए। तो देखो यार पहले जैसे एक्टिव भी हो गई हमारी पैटर्न वाली फ्लोरन। तो यार ये किस चीज़ की वजह से इसने जंप की थी, तो यार मुझे इसका एक रीज़न समझा कि मुझे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स में बोला था कि भाई आपका जो वाटर का लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भाई इन्होंने जंप कर दी होगी। नहीं तो एक आधा यहाँ पे कीड़ा वगैरह कुछ आया होगा और उसके खाने के लिए आई, तो भाई उसने जंप कर दी, ऐसा मुझे बहुत सारे भाई बोले। इसका जो वाटर लेवल है अभी थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि भाई ये दोबारा ना ऐसा करे यार, नहीं तो यार भाई मेरा तो बिल्कुल मतलब मैं एक टेंशन सा आ गया था भाई मुझे कल। तो ठीक है दोस्तों, वेलकम बैक द डेली बीच में आप सभी का फिर से वेलकम। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग का वक्त है और हमें आज जाना है भाई मेरे दोस्त के शॉप पे, मतलब मेरे दोस्त ने अभी शॉप डाला है, हालांकि मतलब उसे 5-6 महीने हो चुके होंगे, तो इसकी वजह से भाई मैं उसके शॉप पे जा रहा हूँ विजिट करने। भाई का अभी स्टॉक आया है न्यू, जो हमें अच्छा लगा हम वो लेके आएंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत दिनों से बुला भी रहा है भाई आ जाओ। और उसके पास अभी फिश का स्टॉक आया, तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ, तो अभी देखते हैं यार वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, हम सारा फिश का स्टॉक लेके आएंगे, ठीक है, जो हमें पसंद आया वो। हमारे यहाँ से उसका डिस्टेंस 70-80 किलोमीटर है, ठीक है। तो भाई मैं सोच रहा था कि भाई हमारे सारे जो पेट्स वगैरह हैं, हमारे पिजन्स वगैरह सारों को मैं फूड वगैरह दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से इतना दूर होने की वजह से यार मुझे वहाँ से आने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, मतलब 2 फेर से भी ज़्यादा वक्त हो जाएगा। इसकी वजह से मैं हमारे सारे फिशेस को वगैरह फूड दे के जाता हूँ मॉर्निंग वाला, ठीक है। यार इनका काम चेक करो यार, देखो ये किसका काम है, ये सिर्फ काम है भाई इन दोनों का, ठीक है। ये दोनों को भाई मैंने ओपन किया, छोड़ दिया भाई, ये कहाँ भी कुछ भी मतलब कहाँ भी जाते हैं और कैसे क्यों करते हैं यार मुझे नहीं पता यार, आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करना यार ये क्यों करते हैं। ये इसकी वजह से यहाँ पे लगाया था कि यार ये खुले ना, क्योंकि हमारा ईगल और लिली डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने की वजह से सीधा जंप कर देते हैं नीचे, ठीक है। और नीचे आपको पता है यार नीचे डॉग्स वगैरह होते हैं। सबसे पहले हमारे पिजन्स को मैं दे देता हूँ, चलो आओ आओ आओ, मतलब यार टेंशन नहीं रहेगी यार मुझे, चलो आओ 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 ठीक है। अभी इनका मैंने मॉर्निंग का डाइट इनको दे दिया, और थोड़ा बहुत पानी भी चेंज करना होगा हमें, अभी ब्राउनी को देता हूँ। ओह इस भाई ने तो आज यही पे अंडे दे दिए यार, एक और ये एक, अबे यार ब्राउनी का यार मुझे यही अच्छा नहीं लगता, ये अंडे ना यार फोड़ डालती है यार, क्या यार ब्राउनी ऐसा क्यों करती, देखो ये अंडे को क्रैक गया है, तो अभी ये कुछ काम करनी है यार, इसे सीधा हमें खा लेना होगा। तो मैं रख देता हूँ भाई उसके अंडों में, चल ब्राउनी तू भी खा ले चल, इतना अच्छा काम करती ब्राउनी तू। मैं अभी ईगल और लिली को भी दे देता हूँ, चल लिली उधर दे देता हूँ, इनको ना मिट्टी में खाने का ज़्यादा मज़ा आता है भाई, ये है ना इसे उनके नाखून इसे मिट्टी में डाल डाल कर खाते हैं भाई दाना। अरे आते भाई हमारे स्नो और ब्लैकी की, चल स्नो ब्लैकी चलो 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 तो चलो भाई मैंने इनको दे दिया, इनका भी हो गया। दोस्तों हमारे सारे पिजन्स का वगैरह खाना मैंने दे दिया, का ये वाला सारा फूड खत्म। तो चलो दोस्तों अभी बारी आती है भाई हमारे जो फिशेज है उनको दे देता हूँ, पहले मैं इनको दे देता हूँ फिर ऊपर वाले फिशेज को देते हैं। तो मैंने हमारे सारे फिश रूम के फिशेस को फीड वगैरह कर दिया भाई। मुझे कमेंट में एक भाई कह रहा था कि भाई आप है ना आपके फिशेस को भाई बिगोगर फूड देना चाहिए, तो ठीक है यार मैं वही करूँगा, क्योंकि उसने मुझे बहुत सारे ऐसे फ़ायदे बताए कि भाई बिगोगर फूड देने से क्या क्या होता है, और क्या यार ऐसा आप डायरेक्ट फूड डालते हो तो भाई ऑक्सीजन पकड़ के आपके फिश को प्रॉब्लम भी हो सकती है यार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार आपने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया। तो भाई मैंने अभी जस्ट मैंने हमारे फिशेस को अभी भिगो कर ही दिया, पहले भिगो लिया फिर मैंने हमारे फिशेस को दिया फूड, ठीक है। तो अभी हम वही करेंगे यार आज से, कोई लगता नहीं भाई ब्लडवर्म को कोई भिगो के देना चाहिए, ब्लडवर्म तो 2 मिनट में पूरा ये हो जाता है। फिर ऊपर वाले फिशेस को देते यहाँ पे दोस्तों, मैंने इन वाले फिशेस को भी अभी फूड वगैरह दे दिया। तो यार आज क्या पता यार हमारे सेटअप में और मॉली फिश ऐड हो जाए, तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई मेरे दोस्त के शॉप पे यार, रिडम्बुयर को रहेगा यार।
तो चलो भाई मैं इनको भी ब्लू डोम दे दिया, घर वाले विशेष को भी दे देते हमारी वाइट टक्सीडोज। और यार इनका पानी पूरा ग्रीन हो गया, अभी चेंज करना होगा हमें बहुत जल्द, जब हम इनको नीचे शिफ्ट करेंगे ना तब इनका पानी भी चेंज कर देंगे हम। विशेष को भी मैं दे देता हूँ अभी, ये कहाँ छुप के बैठी यार, ये पाइप के पीछे होगी 101%। चलो भाई इनको भी दे दिया। ओए ये तो पूरा उड़ गया यार, ब्लोडोम है, ड्राइड ब्लोडोम बहुत हल्का होता है यार, उड़ जाता है ये। चलो हो गया भाई, इनका भी हो गया, इनका भी हो गया, सारे बर्ड्स का भी खाना वगैरह हो गया। तो भाई चलते हैं अभी पेट शॉप में, तो अभी आपको मैं सीधा मिलता हूँ मेरे दोस्त के शॉप पे। तो मैं फाइनली अभी आ गया हूँ तुषार भाई के घर पे, ठीक है, शॉप पे बाद में जाएंगे, पहले हम घर पे जितना स्टॉक वगैरह रखा है भाई ने वो हम पहले विजिट कर लेते, ठीक है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखते भाई ये कौन से बर्ड्स है। अच्छा कॉकटेल है, अच्छा अलग दिख रहे यार ये, अबे यार उड़ेंगे नहीं ना। तो ये देख सकते हो भाई यहाँ पे है कॉकटेल, और यहाँ पे नीचे कौन से बजीस, बजीस भी तेरे पास, ओ भाई फुल्ली बड़े प्यारे यार, वाह मैंने बजीस नहीं देखे यार, बड़े बड़े बजीस यार ये सब। तो भाई के पास बजीस भी है और क्या है, और नीचे नीचे नहीं है, और यहाँ पे है भाई फिंचेस जो कि हमारे सेटअप में ऐड कर दें हमें, पहले देख लेते हैं भाई क्या क्या है। और यहाँ पे है अफ्रीकन है, अच्छा और नीचे, और नीचे जावा है, अच्छा जावा भी है पर अभी धूप की वजह से यहाँ पे नहीं रखे हुए। अच्छा तो अभी ना भाई एक मैं काम की चीज़ आपको दिखाता हूँ भाई ना, यहाँ पे एक मौली फिश का पॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये देख सकते हो भाई, भाई ने तो एक कमाल का सेटअप किया है। और यहाँ पे भाई ने वाटर लिली भी ऐड की है, और ये भाई इतनी बड़ी क्या है यार, ये वाटर कैबेज कहाँ से ली है तुमने? ये वाटर कैबेज मेरे पास में ही एक नर्सरी है वहाँ से परचेस की है। अच्छा नर्सरी पे भी जाना पड़ेगा, मुझे चाहिए यार अलग ही वैरायटी है भाई, वाटर कैबेज, वाटर कैबेज है ना, वाटर कैबेज है, ओके बड़ी वैरायटी है। तो यार ये हमारे सेटअप में ऐड करनी है, और भाई के पास एक बड़ी मौली फिश यार, यार कौन सी मौली फिश इतनी बड़ी बड़ी यार, ये मैंने पहली बार देखी यार इतनी बड़ी मौली फिश। एक मिनट इनको पकड़ के देखता हूँ, नेट लाना भाई एक मिनट, एक मिनट पकड़ना तू, सारे साइज यार भाई के पास है ना बहुत बड़ी बड़ी साइज की मौली फिश है, जो कि ब्रीडिंग साइज जो मौली आती है ना वो साइज की मौली फिश है यार, बहुत बड़ी साइज़ है यार हमारे पास, तो इसमें से जो मीडियम साइज़ आती है ना वो वाला हमारे पास साइज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यार कितना बड़ा साइज़ है यार, ओए ओए उड़ी भाई जंप कर दी यार उसने, वाह यार ये देख सकते हो कितनी खूबसूरत गप्पी फिश है यार, ये 100% है ना भाई डम्बो ईयर नहीं तो सेंटा क्लॉज वगैरह गप्पी फिश लग रही है मुझे, तो एक अलग ही वैरायटी यार, मतलब खूबसूरत है यार उसका कलर। भाई के पास उसके सिर्फ मेल अवेलेबल है, फीमेल रहती तो भाई हम ज़रूर ऐड करते हैं हमारे सेटअप में। और भाई ने यहाँ पे ना थोड़ा मिक्स मतलब सारे के सारे फिक्स है ना मिक्स करके रखे, जो कि भाई मुझे बोले कि यहाँ पे भाई ने ट्रीटमेंट वगैरह देते फिशेस को, जो फिश ट्रैवलिंग में वगैरह डैमेज हो जाती ना तो भाई यहाँ पे छोड़ देते और यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट करते। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी टर्टल के यहाँ पे आ गया, भाई के पास बड़े बड़े साइज़ के रेड ईयर स्लाइडर टर्टल भी बहुत बड़ी साइज़ें आ रही है, ओ भाई हमें सिर्फ यही साइज़ चाहिए थी यार, बट भाई ने ये सारे के सारे सेल कर दिए, मतलब बुक हो चुके हैं भाई के पास, तो हमें ये नहीं मिल सकते, बट भाई से हम ज़रूर ये करेंगे कि भाई हमें सेम 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 ऐसे हमें चाहिए टर्टल्स, सेम साइज़ के ऐसे मुझे ना 6 टर्टल्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार है ना हमारे सेटअप में हमें ऐड करने हैं। तो भाई के पास ये जो टर्टल्स नहीं अभी सेल हो चुके हैं, तो यार इसकी वजह से हम अभी ले नहीं पा रहे, नहीं तो भाई अभी नेक्स्ट टाइम हमें भाई लाके देने वाला है। कितने दिन में लाके देगा भाई? मैं 10-1 दिन में कोशिश करूँगा। हाँ यार जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर, बहुत खूबसूरत टर्टल्स और बड़े बड़े मुझे यही साइज चाहिए था यार टर्टल्स का, हम इनके लिए बड़ा पॉन्ड बनाएंगे हमारे सेटअप में। तो ठीक है मैं पॉन्ड की ओर शुरुआत कर दूंगा, तू मुझे ला के देना यार, मुझे बहुत अच्छे लगे यार टर्टल्स, 12 इंच प्लस है कोई कोई साइज। हाँ ना यार कितने बड़े यार, पहली बार देखे यार इतने बड़े टर्टल्स, होय होय। हे गाइस वेलकम बैक, और दोस्तों अभी हम तुषार भाई के शॉप पे आ गए हैं, ये है भाई हमारे तुषार भाई। तो यार चलो भाई अभी हम तुम्हारा शॉप विजिट करते हैं भाई, शॉप में जो जो स्टॉक वगैरह होगा हम सब देखेंगे और उसमें जो पसंद आएगा हम वो ले लेंगे। तो वेलकम है आपका श्रेया एक्वेरियम और पेट्स,
चलो। तो यहाँ से दोस्तों हमारे भाई के शॉप की एंट्री होती है और एंट्रेंस पे भाई ने रखा है भाई सारे फिशेस का स्टॉक, मतलब जो लाइव फिश वगैरह होती है, ऑर्नामेंटल कलर फिश, तो भाई ने सारा का सारा स्टॉक यहाँ पे रखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को पता नहीं होता यार कौन से फिश वगैरह। और यहाँ पे सारा ड्राई जो मतलब फिशेस का फूड, टर्टल्स वगैरह का सारा फूड वगैरह यहाँ पे रखा है, ठीक है। यहाँ पे है भाई एक्वेरियम्स वगैरह, जो इम्पोर्टेड टैंक्स वगैरह है भाई ने रखे है, और यहाँ पे जो एसेसरीज वगैरह है, मतलब सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यार अभी सबसे पहले हमें ना फिशेस देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते कौन सा फिश है। ये ओरंडा गोल्ड है, ओके, मतलब मेरे पास दो है, दो टाइप से ओरंडा में, एक इम्पोर्टेड है, देख सकते हो आप, इम्पोर्टेड पीस है। अच्छा, इम्पोर्टेड, फुल इम्पोर्टेड, मतलब लॉयन हेड वगैरह जो हम बोलते हैं ना वो टाइप में, और यूरोपियन गोल्ड वगैरह है, ओके। और जो दूसरे वो सादे वरंडा आप देख सकते हो, ये नॉर्मल वरंडा। अच्छा अच्छा, सेकंड वाले टैंक में हम देखते हैं, सेकंड वाले कौन सी है। ये देख सकते हो इसमें सिल्वर शार्क है, ओके, और चिकलेट है, बिग साइज में चिकलेट है, और इधर येलो मॉर्फ वगैरह है, ओके, और यार नियोन आकारा वगैरह है, देख सकते हो, ओके। और यहाँ पे, यहाँ पे है गुरामी, येलो गुरामी और ब्लू गुरामी, साइज वगैरह भी देख सकते हो, मतलब काफी बड़ी है, एक्टिव है यार, सबसे मेन बात मतलब एक्टिव है सब, सब फिशेस, ओके। और इधर खाली है सब, हाँ ये खाली है, इधर शकर फिश है, अल्बाइनो और ब्लैक शकर। अच्छा, साइज वगैरह भी मस्त है, ओके। इधर इसमें कौन सी है, ये कोई है मिल्की, कोई है नॉर्मल, कोई है वेलटेल, कोई है, सब इसमें मिक्स है, ओके ओके ओके, मिल्की कोई और मिक्स कोई है, ओके। और यहाँ पे कौन सी यार, ये बड़ी फिश है, नाइफ, नाइफ, हाँ हाँ हाँ, मैंने कुर्दा मार्केट में देखा था इसको, बड़ी साइज की थी यार वो पे, ओके। और यहाँ पे कौन से, यहाँ पे गोल्ड वगैरह है, शिवकिन के दो तीन पीस है, शुभांकिन, उसके बाद इसके गोल्ड वगैरह, ब्लैक मोर, हाँ गोल्ड वराइटी है, ओके। यहाँ पे नीचे मॉलिस, और इसमें कलर वीडियो वगैरह है, बिग साइज मतलब जम्बो साइज, फुल साइज में कलर वीडियो, मॉली है इसमें, फ्लैटी है, बलून मॉली है, देख सकते हो आप, फ्लैटी बलून मॉली वगैरह, ओके ओके। यहाँ पे पूरा कम्युनिटी टैंक टाइप बना, इसमें टाइगर क्रैब है और गुरामी है, डार्क गुरामी जिसको बोलते हैं ना, जो कि अपन इसमें रख सकते हैं एक्वेरियम प्लांटेशन, प्लांटेशन वगैरह में, ओके। और रोजी बार्ब वगैरह है, फ्लैटी है, ओके, देख सकते हो फ्लैटी वगैरह। और यहाँ पे स्नेल्स है, एप्पल स्नेल, ओके। जिस किसी को भाई को एप्पल स्नेल्स वगैरह लगेगा तो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और यहाँ पे ओ भाई शार्क फिश, बड़े साइज का, एक फीट का होगा भाई, और एक फीट से भी ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे सारा ड्राई का माल है, जो कि हमें जो लगेगा वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे है भाई, ये कौन सा टर्टल है, ये रेडियो स्लाइडर है ना, अच्छा ओके, हमारे पास भी आ रही है, यार इसकी आंखें तो अलग ही है, एक्टिव है पूरा, एक्टिव जैसे, सब चार पीस पड़े क्वांटिटी में मेरे पास रहता है वैसे, ओके, अभी सिर्फ दिखाने के लिए चार एक पीस रखे हुए, ओके ओके ओके। है ना दोस्तों, एक बड़ी काम की चीज़ है यार, जो कि टर्टल्स टैंक वगैरह में जो है ना भाई, वो यहाँ पे देखने को मुझे मिले, तो यार अलग ही वैरायटी का, मैंने पहली बार ये टैंक देखा, इसे खोलना भाई, ओपनिंग ऐसी ऊपर होती है, और यहाँ पे एक शानदार टर्टल का टैंक सेटअप हो सकता है, जो कि यहाँ पे पानी भर के हम टर्टल्स आराम से इसको छोड़ सकते हैं, और इधर भी पानी भरने का है ना, इधर पानी भरना, इधर बास्किंग रहेगा उसको, और इधर घूमने के लिए स्पेस रहेगी, ऐसा है क्या, मतलब इधर पानी नहीं भरने का, नहीं नहीं इधर पानी, ओके ओके, बेबी टर्टल के लिए, अच्छा बेबी टर्टल्स के लिए, ओके ओके, हाँ हाँ। और ये एक शेप में ये, और ये तो मुझे अच्छा लगा यार, मतलब अब गाँव भी गए यार, इसको आराम से सांसें वगैरह यहाँ से मिल सकती है, ओपनिंग दी गई है, और यहाँ पे फूड वगैरह डालने की ओपनिंग कैसे इसकी, ओके यहाँ से ओपनिंग है इसकी, सही है। एक्वेरियम के लिए यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज की जो स्टैंड वगैरह होती है, यहाँ पे सारी वैरायटीज है। और यहाँ पे है भाई इम्पोर्टेड टैंक्स वगैरह, जो कि जिस किसी भाई को चाहिए भाई वो यहाँ पे आके ले सकता है, ठीक है। तो भाई अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब आपका जो एड्रेस है वो आप बता दीजिए, जो कि ऐसा है भाई आपका मॉल, तो बता दो भाई आपका एड्रेस। तो मेरा है नंदुरबार में, नंदुरबार में डंडा पानेश्वर रोड होता है ना, हाँ हाँ, तो उसके मतलब रोड पे एक हीरा काका कॉलेज है, उसके हाँ, साइड में मेरा शॉप है, मतलब जय गणेश वासन सेंटर के सामने, डंडा पानेश्वर रोड, ओके ओके ओके। मतलब मैं हूँ भाई इंडिया से, ठीक है, इंडिया से मैं महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से और मैं महाराष्ट्र से मैं धुलिया से हूँ, ठीक है। और ये शॉप है भाई नंदुरबार में, ठीक है, धुलिया के साइड में डिस्ट्रिक्ट है नंदुरबार करके, जो कि जो कोई भाई नंदुरबार से देख रहा होगा भाई, आप ज़रूर यहाँ पे विजिट करना, ठीक है। तो
तो दोस्तों यहाँ पे है भाई डेकोरेशन आइटम। भाई ये क्या कर तू, ना इधर लेके आ सब, मतलब अपन सब दिखाएंगे। भाई ये है भाई, ये क्या है? ये वो शीप है। शीप है, ओके। ओए ओए, बड़ी खूबसूरत है यार ये तो है। यार मेरे को वाइट टक्सीडो के लिए बहुत अच्छी रहेगी यार ये, देखेंगे यार। और ये क्लाउन जो अपना मरीन फिश रहता है ना, उसमें क्या? अच्छा हाँ हाँ, मरीन फिश के लिए। और ये भी देख सकते हो सबसे बढ़िया चीज़। वाओ यार, ये सबसे एक्सपेंसिव रही है भाई, ठीक है। मैंने पहली बार देखा रे, ये असली है? ये असली है? असली है, असली है, असली लग रहा है यार मुझे वो। ओ भाई ये रनिंग आइटम है सबसे। वाओ, ये क्या है? टैडपोल? ये फ्रॉग है। फ्रॉग, ओके। और ये ड्रूट? ड्रूट, ओके। क्यूट है यार ये। और क्या है? और शिप। शिप, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो, और ये किसके लिए है? बर्ड्स का है सर। अच्छा, बर्ड्स के लिए रिंग्स वगैरह है, मतलब केज के अंदर आप लगा सकते हो। तो है ना दोस्तों, इसमें से मुझे ये वाली जो मौली फिश है ना, अलग अलग कलर की, मतलब एक मौली में दो कलर है, एक वाइट और ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट मौली फिश है जो कि ये देखो भाई, ये हम ले रहे हैं, ठीक है। जितनी है भाई हम सारे के सारे ले लेंगे। तो चलो भाई, अभी मैं जल्द से जल्द इनको पकड़ता हूँ, फिर आपको मैं मिलता हूँ। ये मौली फिश मैंने ले ली है, जो कि डायमेंशन मौली करके है भाई, मिक्स कलर में। ये हमारे सेटअप में बिल्कुल नहीं थी, तो भाई मैंने ये ले ली। और यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रास वगैरह है, ये हमारे 1 फुट के लिए, ठीक है, हमारे वाइट टक्सीडो के लिए वगैरह थोड़ा सेटअप ले लिया। हम जा रहे हैं नर्सरी को, ठीक है, अभी सीधा मिलते हैं भाई नर्सरी में। तो दोस्तों अभी हम नर्सरी में आ चुके हैं, और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा भाई ये जो चीज़ है, ये चीज़ के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि है भाई वाटर कैबेज। बहुत ही ज़्यादा अलग ही वैरायटी आ रही है वाटर कैबेज की, मतलब वाटर कैबेज तो मुझे नहीं लग रही है, बट वाटर कैबेज जैसे ही यार, तो ये वाटर कैबेज है। तो देख सकते हो इसके रूट्स वगैरह, इसके पत्ते वत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। तो यार ये हमारे सेटअप में ऐड तो करनी ही करनी है यार, क्योंकि हमारे हमारे को थोड़े बड़े रूट्स की वाटर कैबेज चाहिए थी। और यहाँ पे भाई मैंने एक बड़ी काम की चीज़ देखी हमारे सेटअप के लिए, मतलब हमारे फिशेस के लिए भाई, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल चीज़ है यार। ये जो येल्लो कलर की वाटर ले ली है भाई, ठीक है, और इसमें फूल भी आए थे जो कि मैंने देखा था मॉर्निंग में, अभी नहीं यार। तो देखो भाई ये एक वाला है, तो देख सकते, ये सब कॉन्ट्रैक्ट हम हमारे तुषार भाई को दे रहे हैं। जो नर्सरी वाले भैया है वो तो नहीं है यार यहाँ पे, तो मैंने भाई को बोला कि भाई आप ही लेके आना, क्योंकि भाई मेरे ही गाँव से है, तो ठीक है यार, हमें ईजी जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी घर पे पहुंच गया, और हमारे जो मौली फिश है, मैंने उनको अभी जो वाटर है वो सूट करने के लिए 10-15 मिनट यहाँ पे रख देता हूँ। अरे डम्बोजियर को फीड कर देता हूँ भाई, क्योंकि अभी दोपहर से भी ज़्यादा हो गया, मतलब 4 बज गए यार, सुबह से निकला था मैं। तो चलो भाई अभी देता हूँ हमारे डम्बोजियर को। यार हमारे पास सिर्फ 2 ही पेयर है, और दोनों पेयर ने जल्द से जल्द ब्रीड कर देनी चाहिए, मतलब हमारे पास बहुत सारे पेयर हो जाएंगे, फिर कोई इतनी टेंशन नहीं होगी। तो हमारे जो डम्बोयर है, इनको अभी कलर आने लगा है फिर से, उनका डार्क कलर, क्योंकि यार ट्रैवलिंग में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उनका कलर थोड़ा डाउन हो गया था। तो अभी देख सकते हो यार, अभी थोड़ा थोड़ा इनका कलर भी आने लगा। और मैंने यहाँ पे ना मौली फिश के बेबीज डाल दिए, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा, वो 4-5 छोड़ दिए, क्योंकि ये इन चारों को थोड़ा बोर होता होगा, तो मैंने यार सोचा कि यार छोड़ दे, चलो 4-5 मौली फिश के बेबीज, जो कि यार यहाँ पे अभी मैंने मॉर्निंग में कैच किए थे, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। तो फाइनली दोस्तों मैंने कर दिया भाई इनको यहाँ पे ऐड। तो चलो भाई अभी इनको जल्द से जल्द छोड़ दे, क्योंकि यार बहुत मतलब 4-5 घंटे हो गए यार ये कैरी बैग में ही थी। तो यार इनको जल्द से जल्द इनको अभी छोड़ देता हूँ। वाटर है ना ये, थोड़ा बहुत शॉप का वाटर है, तो मैं इस टंकी में डाल देता हूँ वो। तो चलो भाई इतना मैं ऐड कर देता हूँ। तो है ना दोस्तों, हमारे जो मौली फिश है मैंने इनको यहाँ पे ऐड कर दिया है, और अभी मैं उनको फूड वगैरह दे देता हूँ। मतलब इन वाले फिश को नहीं दूंगा भाई, इन वाले फिश को तो मैं कल दूंगा, बट ये वाले जो है ना इनको मैं आज दे देता हूँ। छोड़ ना भाई, ये मैं पहले भिगो लेता हूँ, 5 मिनट में इसको भिगो कर दूंगा, कितना हो भाई इनको, तो भाई आराम से खा लेंगे। ये कर दिया भाई इन्होंने अटैक।